आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त की बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान और मशहूर स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। आपको बता दें कि उनके यूं अचानक चले जाने से पूरे देश में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। वे 77 वर्ष के थे। शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, विक्की कौशल और कई मशहूर हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया है। आपको बता दें कि अब बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी और उनकी बहू नेहा धूपिया ने भी उन्हें याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उनका पूरा परिवार सदमे में है और उनके चाहने वाले उन्हें रीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि बिशन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रही। धन्यवाद दोस्तों, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में उनके लिए ओम शांति जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन, जिससे कोई भी नई अपडेट आप तक पहुँच सके।